तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म एग्जामिनेशन, ठीक है, मिड टर्म एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और देखिए ये हमारा जो है क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके मिड टर्म एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बताऊँगा। तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए आप मिड टर्म एग्जाम क्या होता है। देखिए आमतौर पर जो हाल पीरियड एग्जाम होता है कक्षा 12वीं 11वीं में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें जब आप हाल फ्री एग्ज़ाम जब दे रहे थे, ठीक है, तो वो आपका मतलब मध्य में दिया जाता था। तो इसी प्रकार से मिड टर्म का मतलब होता है कि मध्य वाला एग्ज़ाम। तो यह देखिए काम आमतौर पर 20 नंबर का होता है, ठीक है, और कहीं कहीं पर 30 नंबर का भी होता है। तो आप लोग अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं कि कितने नंबर का मिड टर्म एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग मतलब पेपर दीजिएगा। वैसे भी पेपर को आप लोग को देना ही होना है होता है, ठीक है, यदि आप मिस कर जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपना एक और डेट निकलता है मिड टर्म एग्जाम का, तो उधर भी आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह जिन बच्चों का छूटा होता है केवल उन्हीं बच्चों केवल दे सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए आमतौर पर जो मिड टर्म एग्जाम होता है, ठीक है, 20 नंबर 30 नंबर का होता है। और देखिए ये जो 20 नंबर और 30 नंबर जो होता है आपके आपके मतलब जो मार्कशीट होता है, ठीक है, उसी में जोड़ा जाता है। देखिए आमतौर पर 100 नंबर का आप लोगों का एक सब्जेक्ट का नंबर होता है, तो उसी में से 20 नंबर जो होता है मिड टर्म का होता है, 50 नंबर आपका प्रैक्टिकल का हो जाएगा, ठीक है, और इसके 30 नंबर प्रैक्टिकल का होगा, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 20 नंबर मिड टर्म और 30 नंबर प्रैक्टिकल बराबर 50 नंबर, और 50 नंबर का आपका थ्योरी हो गया, यानी 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। तो यही हमारा जो मिड टर्म होता है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको पास होना होता है। और काफ़ी बच्चे कमेंट भी करते हैं सर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए मिड टर्म में, तो देखिए मिड टर्म में कितने भी नंबर नहीं बल्कि आपको 10+ नंबर होने चाहिए, कम से कम आपको 10+ नंबर होने चाहिए तभी आप पास माने जाएंगे। और प्रैक्टिकल की बात की जाए तो प्रैक्टिकल आप लोगों का जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो उसमें 25 नंबर आपके कम से कम होने चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हॉर्टिकल्चर का हमारा पेपर है, ठीक है, काफ़ी बच्चे ने कमेंट किया था सर मिड टर्म का एक और क्वेश्चन पेपर लेकर आइए, तो आज की इस वीडियो में बस एक और पेपर दे रहा हूँ आप लोगों को। और यदि आप एक और पेपर चाहिए इसके बाद तो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर हेरिटेज का, तो एग्रीकल्चर हेरिटेज का भी मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हाल ही में जो 2023 में, ठीक है, यानी कि इसी वर्ष जो 2023 चल रहा है हमारा, ठीक है, काफ़ी लोगों का मिड टर्म एग्जामिनेशन हो गया है, 2022 में भी हो गया है दिसंबर में, और 2023 में भी हो गया है काफ़ी बच्चों का, लेकिन काफ़ी बच्चे जो 2-4 बच्चे बचे हुए हैं उनके लिए वीडियो है, ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा गया सेक्शन ए में डिफाइन हॉर्टिकल्चर एंड राइट इंपॉर्टेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, यानी कि आपको हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी की उद्यानिकी की आप लोगों को परिभाषा देना है, ठीक है, इसके बाद आप लोगों को इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बताना है, भारत में उद्यानिकी का महत्व बताना है, ठीक है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आमतौर पर आपके मेन एग्जाम यानी कि इंटरम एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये कैजुअली बहुत ही सरल है, और इसके लेक्चर भी मैंने प्रोवाइड कर चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। फ्रेंड्स सेकंड पर पूछा गया राइट डिटेल्स अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ साइट सिलेक्शन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आइडियल और यानी कि जो बाग लगाने की विधि है, ठीक है, आप लोग आइडिया दे सकते हैं किस प्रकार से मतलब बाग लगाया जाता है, ठीक है, तो इसी के बारे में देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप में पूछा गया हमारा इट लिस्ट डिफरेंट मेथड ऑफ प्लांटिंग फ्रूट क्रॉप्स, एक्सप्लेन एनी ऑन ऑफ द, ठीक है, एनी ऑन ऑफ देम विथ सूटेबल डायग्राम, ठीक है, और में दिया गया है आपका कि डिफाइन ट्रेनिंग इन लिस्ट इट्स मेट्रो एंड एक्सप्लेन एनी ऑन ऑफ देम, ठीक है। देखिए इसमें ट्रेनिंग के बारे में दिया गया है, ठीक है, ट्रेनिंग क्या होता है यानी कि किरणतन, और प्रूनिंग का भी पूछा जा सकता है, तो प्रूनिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो मीटर में पूछे जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इंटर में भी आ सकते हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जो होते हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा पूछने की संभावना होती है, ठीक है, तो जितने भी बेसिक चीज़ें होती है वो सभी मीटर में पूछे जाते हैं, और इंटर में भी चांसेस आते हैं कि 50% कि बेसिक चीज़ें पूछी जाएँ, ठीक है। और देखिए ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग हो गया, आप तो अच्छे से प्रूनिंग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसके बाद सेक्शन बी में आता है हमारा कि डिफाइन फॉलोइंग्स, इसमें दिए गए हाई डेंसिटी प्लांटिंग, इसके बाद पोमोलॉजी, पोमोलॉजी इज ए ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, पोमोलॉजी हो गया, ठीक है, और इसके बाद हमारा दिया गया है अर्बोरी कल्चर, ठीक है, अब देखिए अर्बोरी कल्चर दिया गया इसमें, और इसके स्थान पर फ्लोरी कल्चर हमारा दे सकता है, क्या दे सकता है, फ्लोरी कल्चर,
ये अभी हमारा क्या है, इट वॉज ए इट इज़ ए ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये भी हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है, महत्वपूर्ण शाखा है। इसके बाद प्लांटेशन क्रॉप्स दे सकता है, तो प्लांटेशन क्रॉप्स इज ए हॉर्टिकल्चर ब्रांचेस, ठीक है। तो ये सब मतलब जितने भी ब्रांचेस हैं हॉर्टिकल्चर के, ये सब पूछे जा सकते हैं, कितने ब्रांचेस हैं, ठीक है। लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है कि हॉर्टिकल्चर की कितने शाखाएँ हैं, ठीक है, कौन कौन सी है। देखिए आमतौर पर कहीं पर इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होता है, कहीं पर हिंदी पर होता है, लेकिन जब हिंदी में होगा तो हिंदी में दीजिएगा, इंग्लिश में होगा तो भी आप लोग इंग्लिश में दीजिएगा, तो भी आप हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें जो दिया गया था हमारा सेक्शन बी वाला, और इसमें से जो क्वेश्चन है चार चार नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया गया हमारा लास्ट में दिया गया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग ऑफ फ्रूट्स क्रॉप्स एकोमोडेट, सॉरी मेरा इंग्लिश थोड़ा बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन फिर भी आप लोग मैनेज कीजिए, एकोमोडेट्स 15% स्मॉल प्लांट्स देन स्क्वायर सिस्टम, यानी कि किस मेथड में 15% है अधिक संख्या में पौधे लगते हैं, तो ये कौन से मेथड है, ये हमारा है हेक्साबोनल मेथड। क्या है? हेक्साबोनल मेथड, यानी कि षटकोणीय विधि, ठीक है, षटकोणीय विधि, षटकोणीय विधि। जब आप बाग लगाने की विधियाँ जब पढ़ रहे थे, ठीक है, तो बाग लगाने विधियाँ में कितनी विधियाँ थी टोटल, पहला हमारा था वर्गाकार विधि, ठीक है, वर्गाकार विधि आप लोगों को बाग लगाने की विधियाँ बता, इसके बाद आयताकार भी हो गया, आयताकार, इसके बाद आयताकार के बाद हमारा आता था पूरक विधि या थी पंचकोणी विधि, इसके बाद त्रिभुजाकार विधि, ठीक है, इसके बाद षटकोणीय विधि। तो षटकोणीय विधि हमारी, हमारा क्या है, इसमें जो षटकोणीय विधि में 15% अधिक पौधे लगते हैं इसमें, ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा कंटूर मेथोड आता है, ठीक है, कंटूर मेथोड विधि। अब कंटूर विधि में क्या होता है कि ये आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में जो बाग लगाने की जो विधि आप लेते हैं उसे कंटूर मेथोड बोलते हैं, ठीक है, बाग लगाने की, ठीक है फ्रेंड्स। और अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हॉर्टिकल्चर की डिफिनेशंस, इम्पोर्टेंस, ब्रांचेस, ठीक है, एंड और इसके बाद भी थोड़ा कुछ और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग हो गया, ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चर्ड, ठीक है, यानी कि बाग लगाने की सिद्धांत, ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसके बाद भी इम्पोर्टेंट है कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल सजेशन करूँ तो एग्जाम्पल से, वन मिनट्स जस्ट वेट, हाँ एक मिनट, इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा आमतौर पर भैया, आइए। हाँ फ्रेंड्स, पार्थेनोकॉर्पी, पार्थेनोकॉर्पी जी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो पार्थेनोकॉर्पी भी पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है पार्थेनोकॉर्पी, ठीक है। इसके बाद यदि पढ़ना चाहते हो तो डॉर्मिनसी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, डॉर्मिनसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉर्मिनसी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।